ढाबे का शुभारंभ के पहले ही ढाबे संचालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि सालाखेड़ी में गुरुवार को ढाबे का शुभारंभ होने वाला था। तैयारी के लिए संचालक अमजद पिता महबूब सुबह जल्दी ही ढाबे पर चला गया था। सूचना मिलते ही परिजन ढाबे पर पहुंचे, ढाबे का शटर उठाया तो अमजद फंदे पर लटका मिला। मामले की जानकारी देते हुए परिजन ने बताया, मेरा नाम है मुजफ्फरपुर। जो भैया ने फांसी लगाई, क्या कारण रहा? क्या इसका सर कोई कारण पता चला नहीं है। आज इसके ढाबे का उद्घाटन था, उसकी तैयारी में लगा हुआ था ये। कल से ही सुबह गया था, सुबह 6 बजे 5:30-6 बजे गया था ढाबे पे ये। उसके बाद 8:30-9 बजे के पास हमारे पास खबर आई कि अमजद भी ने फांसी लगा ली। हमने वहाँ जाके देखा तो हमें शटर गिरी हुई दिखी। हम समझे शायद अस्पताल ले गए होंगे। यहाँ आके देखा तो यहाँ भी कुछ भी नहीं था। चौकी पे इन्फॉर्म करा था, चौकी वालों ने कहा कि अभी ऐसा कोई केस आया है नहीं। फिर बाद में मालूम पड़ा कि हमें गए ढाबे पे ही है। फिर वहाँ जाके शटर उठा के देखा हमने तो फिर वो फांसी पे लटका हुआ था। अब कारण क्या है इसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये अपने कृषि उपज मंडी के पास एक होटल है, वहाँ पर अमजद पिता महमूद खान निवासी अर्जुन नगर के व्यक्ति ने फांसी लगा ली। जो होटल कुछ दिनों से बंद पड़ा हुआ था, अभी मृत्यु का कारण अज्ञात है। प्राथमिक मृतक की प्राथमिक जांच के बाद उसे पीएम के लिए अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ से पीएम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया गया है। लंबे समय से बनकर तैयार हुआ दीनदयाल नगर पुलिस थाना शुरू हो गया है। सागर रोड पर सांची दुग्ध प्लांट के पास बना नव निर्मित पुलिस थाना लोकार्पण का इंतजार कर रहा था। गत 4 फरवरी को प्रवास पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सामूहिक समारोह में थाने का लोकार्पण किया था। लोकार्पण के एक सप्ताह बाद नव निर्मित थाने की गुरुवार से शुरुआत की गई। गुरुवार की दोपहर थाने पहुंचे पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने महिला आरक्षक से फीता काटकर शुभारंभ किया। बाद में पुलिस कप्तान ने पूजा अर्चना कर थाने का अवलोकन किया। अब थाना अपने नव निर्मित परिसर में संचालित होगा। जिला अस्पताल की व्यवस्था पटरी पर आती नजर नहीं आती। अस्पताल में एक दिन छोड़कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को जिला अस्पताल में ड्यूटी देकर आउटडोर में मरीजों का उपचार करना है। गुरुवार को मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को जिला अस्पताल में ड्यूटी देनी थी, लेकिन सुबह 11:30 बजे तक डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचे। डॉक्टरों के नहीं आने से मरीज डॉक्टर का इंतजार करते रहे। डॉक्टर के इंतजार में मरीजों की फजीहतें होती रही, जिससे मरीज आक्रोशित रहे। अस्पताल के डॉक्टरों के केबिन खाली पड़े रहे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन स्वयं असहाय बना रहा। शहर के व्यस्तम बाजार न्यू रोड पर गुरुवार को दो आक्रोशित सांड सड़कों के बीचों बीच लड़ लिए। सांड की लड़ाई से क्षेत्र का यातायात जाम रहा। कुछ तो तमाशबीन बने रहे और कुछ अपना बचाव करते रहे। इसी बीच सांड ने एक मारुति कार और एक दूध वाले को टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाल बाल बच गए। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग यूं तो शहर के आवारा पशुओं को पकड़ने का दावा करता है, लेकिन शहर की सड़कों रहवासी क्षेत्रों में विचरण करने वाले सांड को पकड़ नहीं पाते, जिससे आवारा सांड हादसों का कारण बने रहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टर कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया। परिषद कार्यकर्ताओं ने स्कूल हॉस्टल खोलने तथा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आवास भत्ता और छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत को लेकर पहुंचे थे। छात्र नेता इतने आक्रोशित थे कि जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय में ही धरने पर बैठ गए। बाद में छात्रों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में परिषद नेता शुभम चौहान, सुरभि रावल, कृष्णा डिंडोर सहित छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मारपीट की आशंका के चलते मृतक की मौत को लेकर परिवार ने की जांच की मांग। परिजन पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज है। खबर के मुताबिक 23 जनवरी 2021 को रात्रि 11 बजे शहर के ऑफिसर कॉलोनी में सड़क पर घायल अवस्था में तड़प रहे एक युवक को राहगीरों ने 108 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराकर मानवता का परिचय दिया था। युवक की पहचान पंकज और बाबूलाल पिता मदनलाल जाति बसोड़ निवासी पिपलोदा हाल मुकाम ब्राह्मणों का वास रतलाम के रूप में हुई थी और परिजनों को सूचित किया था।
पंकज उर्फ बबलू को गंभीर अवस्था में इंदौर रेफर किया गया, मगर परिजन उसे बड़ौदा ले गए, जहां पर दिनांक 4 फरवरी को पंकज की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों को शंका है कि उसकी बेटे के साथ किसी ने मारपीट की या कोई दुर्घटना घटित हुई है। पुलिस द्वारा भी इस घटना के संबंध में कोई उचित कार्रवाई नहीं करने पर परिजन एवं समाजजनों ने काफी रोष व्याप्त है। घटना को लेकर बसोर समाज एवं मृतक के परिवार ने कलेक्टोरेट पहुंचकर परिजनों को उचित न्याय दिलाने हेतु घटना की उचित जांच करने के लिए एवं दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मृतक की माँ रेखा बाई ने बताया। मैडम क्या मामला है? 23 तारीख के दिन मेरा लड़का 9 बजे घर से निकला, फिर 11 बजे आया था, 11 बजे के बाद फिर वापस नहीं आया। किसने उसको मारा, किसने क्या करा मेरे बच्चे के साथ, तब मेरा एक ही लड़का था और मेरे बच्चे की जांच पड़ताल होनी चाहिए। साहब किसने मारा, किसने क्या करा मेरे बच्चे के साथ। कहाँ का मामला है? यही का साहब, पुलिस लाइन का है। आपका बच्चा क्या कार्य करता था? कपड़े की दुकान पे काम करता था उसको। ठीक है, आपका नाम? रेखा। आयकर कर्मचारी महासंघ एवं छत्तीसगढ़ सर्कल में महासंघ का स्थापना दिवस मनाया। आयकर कार्यालय में आयोजित समारोह में झंडारोहण किया गया, बाद में संदेश का वाचन हुआ। इस मौके पर महासंघ के नेताओं ने यूनियन के संघर्षशील इतिहास को बताते हुए कहा। समारोह में महासंघ नेता, पदाधिकारी एवं आयकर कर्मचारी उपस्थित थे। जो पेंशन पीएफी और 56J जो ये कानून सरकार जारी है, तो अपन को इनका विरोध करने के लिए सभी को एकजुट रहना बहुत जरूरी है। यदि एकजुट नहीं रहोगे तो सरकार और भी कड़े कानून ला सकती है और आपको डिपार्टमेंट से बाहर कर सकती है। तो मेरा यही कहना है कि सभी साथी एकजुट रहें और संघर्ष करें। संघर्ष नहीं करोगे और एकजुट नहीं रहोगे तो शायद सरकार आप पर काफी दमन करेगी।